तो हे एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग आर्ट प्लस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम एक पेंसिल स्केच करेंगे और इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाली हूँ कर्ली हेयर्स, लाइक वेवी हेयर्स हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि हेयर्स को कैसे ड्रॉ करना है। एक्चुअली ये वीडियो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हेयर ट्यूटोरियल, लाइक कर्ली हेयर ट्यूटोरियल दूँ, तो उसी वजह से मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ और आपको साथ में बताती भी जाऊँगी। एक्चुअली मैं हो सकता है कैमरे में इतना अच्छा रिकॉर्ड ना हो, बट आप जब करें तो अच्छे से करना। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले बेस करेंगे, लाइक हमें कहाँ से कर्व देना है, कहाँ से हमें कर्लनेस देनी है, और ये सारी चीज़ें हमको जो हम देख रहे हैं ना उससे हमें समझ में आ जाता है। लाइक जिस पिक से हम ड्रॉ कर रहे हैं या जिस किसी के भी हमको कर्ली हेयर्स ड्रॉ करने हैं, उसके पिक को हमको पहले लेना पड़ेगा। थोड़ा जूम करिए और देखिए कि कर्लनेस कितनी है और कहाँ से कहाँ तक बाल जा रहे हैं। वैसे कर्ली हेयर्स बढ़ाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आई नो, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कर्ली हेयर्स हेयर्स ही तो हैं, लाइक यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी बाल ड्रॉ कर देंगे, वो बाल हैं, कैसे भी ड्रॉ हो जाएंगे, चलेगा। लाइक नोज़ आइज़ तो नहीं है जो सेम नहीं दिख रहा, तो इट्स प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, बाल हैं, थोड़ा सा कर लें दीजिए और हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर लें उन बालों से। तो आपने बेस लेयर अप्लाई करी, ओके, देन आपको करना क्या है वो आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। ओके, सबसे पहले क्या करिए कि कुछ भी पेंसिल वेंसिल ना लगा कर आप सबसे पहले उस एरिया को शेड दे दीजिए। लाइक अगर आपके पास रुई है या फिर कुछ भी है, आप बस उस एरिया को क्या करिए, थोड़ा सा पेंसिल यूज़ करिए उस पर और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एक लेयर ब्लेंडिंग की हो जाए तब आप को क्या कर रहे हैं कि दूसरे थोड़ी डार्क पेंसिल लेके उस पर धीरे 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 एक फ्लो में पेंसिल यूज़ करिए। कोई जल्दी नहीं, कुछ हेयर्स हैं तो आपको बहुत ही स्मूथली ड्रॉ करने पड़ेंगे। लाइक आपको जस्ट एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है यहाँ पर, आपको एक टेक्सचर ड्रॉ करना है जो कि बहुत स्मूथ होना चाहिए, तो आपको वो स्मूथनेस दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली मैं बात क्या है कि ये पेपर एक तो ड्राइंग पेपर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पेपर है, जो A4 साइज पेपर होते हैं ना प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये वो पेपर है। और दूसरा ये है कि मेरे पास ब्लेंडिंग के लिए इतना अच्छा टूल नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से ब्लेंड कर रही हूँ और स्मूथ है भी तो भी वो कैमरे में दिख नहीं रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं जो बोल रही हूँ उसे आप फॉलो करते जाइए, बहुत अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। और तो मैं कहाँ पर थी, हाँ हम डॉक हमने ब्लेंड कर लिया था, सॉरी, हाँ ब्लेंडिंग के बाद आपने एक लेयर ले ली, फिर आपको ये देखना है कि अब कहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस है। लाइक कर्ली हेयर्स में आपको जहाँ पर कर्ल होगा ना, जिस एरिया जो एरिया थोड़ा सा निकला हुआ है आपकी साइड कर्ल है, वो तो डार्क नहीं होगा, बट जो एरिया पीछे को घूमा हुआ है, पीछे वाला एरिया डार्क होगा और आगे वाला जो घूम कर जा रहा है वो लाइट होगा। इट मीन्स वही बात है जैसे कि अगर नोज़ आपने ड्रॉ करी तो नोज़ टिप आप देखेंगे, नोज़ टिप लाइट होगी एकदम, जबकि जो एरियाज़ थोड़ा साइड वाले एरियाज़ हैं उनमें डार्क होगा। तो वही बात है, जिस पर लाइट नहीं पड़ रही है वो लाइट नहीं करेंगे, वो डार्क करेंगे, और जिस पर लाइट पड़ रही है वो तो ऑब्वियसली लाइट हो गई। तो स्मूथली आप पेंसिल चलाइए, फिर उसे ब्लेंड करिए, फिर पेंसिल चलाइए, फिर ब्लेंड करिए, और आप जैसे कि इसमें धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, देखते जाइए और करते जाइए। ओके, अब बात करते हैं हाइलाइट्स की। जैसे कि मैं पिक दे रही हूँ साइड में, तो मैं इसी से ड्रॉ कर रही हूँ। अब हाईलाइट की बात करेंगे तो आपको एक अच्छी सी रबर चाहिए होगी। अब हमारे पास, हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास मोनो साइज़ की पेंसिल
रेज़र होती है, बहुत सारी यू नो साइज़ की रेज़र होती हैं, आप इलेक्ट्रिकल रेज़र भी यूज़ करते हैं वो लोग, तो हम वो हमको बस थोड़ा सा ना नॉर्मल रबर ही यूज़ करेंगे हम लोग, तो हमको उस नॉर्मल रबर से ही क्या करना है कि रफ़ करना है। तो हो सकता है मोटा भी हो आपका रफ हो, बट बाल के साइज़ का रफ़ करना है तो आप ऐसी रबर देखिए, या फिर एक ऐसी पुरानी रबर को है ना आप काट लीजिए, तो है ना वो जो उसका एज होगा वो बहुत ही लाइट होगा, लाइक बहुत ही पतला होगा, तो आप उससे एक बाल जितनी दूरी रफ़ कर सकते हैं, दूरी कह रही हूँ मैं, एक बाल जितनी जगह रफ़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर आप उससे रफ़ कर देंगे, और जहाँ आपने लाइट किया है वहाँ आप पेंसिल से बाल जैसा ड्रॉ कर देंगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ थोड़े बहुत मैं सब जो बाल हुए हैं, एक दो बाल मतलब सभी के सारे स्मूथ नहीं होते बाल, थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा रियलिस्टिकनेस आ जाएगा। ओके, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप बाल ड्रॉ करने बैठे हैं तो इट मीन्स इट्स एंड यू नो व्हाट, हेयर्स को ड्रॉ करना इज़ लाइक अ थेरेपी। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप स्लोली ग्रेजुअली स्लो म्यूज़िक के साथ अगर आप हेयर्स ड्रॉ करेंगे तो इट विल वर्क लाइक अ थेरेपी। तो ट्राई ज़रूर करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ और सजेशन हो तो वो भी बता देना, कुछ मेरी मिस्टेक हो तो वो भी बता देना, और एक्स वाई जेड जो भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।